नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खास, जो कि थंबनेल में आपको पहले दिख गया होगा, खेल पानी कबूतरों के लिए। बहुत समय से खेल पानी नहीं डाला था और अब बाजियां भी आ रही हैं मई जून के लोगों की किसी की अप्रैल की है, किसी की मई की है, किसी की जून की है। तो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए खेल पानी है ये। आई होप आपको काफी अच्छा लगे खेल पानी, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ पाएंगे। और एक बार बता दूं आपको, पहली चीज तो जो लोग गोलियां यूज करते हैं, जो लोग चिड़ी मार हैं गोलियां यूज करने वाले, वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गोली का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल देसी तरीके से, देसी नुस्खे से कबूतर उड़ाए जाएंगे और शाम तक की टाइमिंग भी देंगे। दूसरी चीज, जिनके कबूतर 2 घंटे 1 घंटे उड़ते हैं, 3 घंटे उड़ते हैं, वो लोग इस पर नुस्खा ना अपनाएं अपने कबूतरों पे। मिनिमम 4 घंटे की उड़ान अगर आपके कबूतर की है तो ही ये नुस्खा आपको रिजल्ट भी देगा बहुत अच्छे। अब आपका कबूतर वैसे ही उड़ नहीं रहा, आप उसमें नुस्खा लगा दोगे क्या खाक उड़ेगा? नहीं उड़ेगा भाई। तो मिनिमम 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे इतना होना चाहिए। तो उसके बाद में टाइमिंग आपको खुद दिखेगा कि कितना टाइमिंग इसका बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं, जाल आपके भाई का रेडी हो चुका है। जो नया जाल कहा था बनाने के लिए वो बन चुका है। तो जल्दी आपको जाल में विजिट भी कराएंगे, पूरे टोटल जितना भी प्रॉपर सेटअप है एक बार इधर का ये कंप्लीट हो जाएगा जाल। ये जो है, ये वाला जाल है आपका, ये वाला, इसका पार्टीशन हटा दिया गया बीच का। और एक बार ये रेडी हो जाए, रेडी होने के बाद में फिर आपको पूरे पेयर के, जितने पेयर हैं हमारे पास, उनके दर्शन कराते हैं। और साथ ही साथ आपको ब्रीडिंग भी दिखाएंगे अपने, जो इस समय हमने चिक्स निकलवाए हैं और सुबह डाला भी था थोड़ा, जो उड़ा रखे थे बच्चे घर के। तो वही चीज है, कहने से कुछ नहीं होता कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा उड़ान के हैं, उड़ा के दिखाना भी पड़ता है। हमने उड़ा के दिखाया, आप भी उड़ा के दिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगे। सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले भाई, वीडियो पे मांगूंगा लाइक आपसे, लाइक कर दीजिएगा। कम से कम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, इतना तो आप अपने भाई के लिए कर ही सकते हैं बहुत ही इजिली, बहुत ही आराम से। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और, ट्रेज अवेलेबल है अपने पास में, स्पाइरल ट्रेज, येलो कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर। मटेरियल काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है, शाइनिंग है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका एक अलग से पर्टिकुलर आपको वीडियो भी दे देंगे। बहुत अच्छी मेटल में ट्रे है, और ये देखें आप इस टाइप से, बहुत ही अच्छा सरफेस है और बेस्ट ट्रे लगी अपने को, जो आप यूज कर सकते हैं और आपको आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा अपनी, इस वीडियो के बाद में ट्रेस की वीडियो डालेंगे। इसमें 3-4 वैरायटी और भी हैं, उस वैरायटी को भी दिखा देंगे। कलर इसके अंदर 2 है, येलो और ग्रीन है। तो भाई शुरुआत करते हैं, जो खेल पानी हमारे पास आया है वो हमारे अफजल भाई जोगेश्वरी वाले, जो कि मुंबई में है, उन्होंने हमें शेयर किया है कि अपने सब्सक्राइबर के साथ में इसे आप शेयर करें, ताकि वो लोग जिन्हें कोई नुस्खा नहीं देता या फिर जिनके पास नुस्खे हैं और उनके नुस्खे काम नहीं कर पा रहे, वो लोग आराम से कबूतर उड़ा सकें और बहुत ही आराम से इस शौक को आगे बढ़ा सकें, एक अच्छाई के साथ में, ना कि गोली लगाई और टक 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 टक, वो चीज नहीं। ठीक है दोस्तों, लेके चलते हैं सीधा आपको नुस्खे की ओर। इंग्रेडिएंट्स मैं साइड में लिखते भी जाऊंगा, इधर जो मैं बोलूंगा आपको साइड में लिखा हुआ आएगा। सामान सारा का सारा आपको पंसारी के पास मिलेगा, आपके जो घर के आसपास में आप पता कर लीजिएगा। रोडा पंसारी, एक तो होता है रोडा पंसारी जो बड़ा पंसारी होता है, और एक सिंपल पंसारी होता है। तो पंसारी की दुकान पे आपको सभी सामान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में भी डालें कि अमन सर सामान क्या क्या था। तो सामान आप देखें, देखने के बाद में आराम से इसे नोट डाउन करें कॉपी में लिख करके, और कॉपी में लिख करके सीधा डायरेक्ट जाएं और जाके खरीद के ले आएं इसी मिकदार में जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। खमीरा अभिरसम जो आता है 1 तोला लगेगा, रूमी मुस्तगी 1 तोला, 25 बादाम छिले हुए, जो मीठे बादाम आते हैं आपके 25 वो छिले हुए चाहिए अपने को, उसे छील लेना, मतलब कि भिगो के छील के साफ कर लेना उसे। 2 नींबू चाहिए, उनका रस निकालना है अपने को। अभी पहले आपको सामान लिखवा देता हूं, आप बाद में इसे फिर मैं बताऊंगा करना क्या है। 2 नींबू, उनका रस निचोड़ लेना है एक कटोरी के अंदर अलग से। छोटी इलायची 5 दाने, जो छोटी इलायची आती है हरे वाली उसके 5 दाने। मुलेठी का 1 टुकड़ा 1 इंची का, मुलेठी आप पंसारी से मिल जाएगी आपको।
मिश्री का एक टुकड़ा, बड़ी मिश्री आती है उसे बोल देना, आपको एक इंची का टुकड़ा दे देगा मिश्री का। सफेद जीरा आता है उसके दो चम्मच, सफेद जीरा, एक काला जीरा आता है जो हम अपना सब्जियों में यूज करते हैं, लेकिन ये सफेद जीरा है, सफेद जीरे के दो चम्मच। तबासीर आधा तोला, तबासीर आती है वो भी आपको वहीं मिलेगी, आधा तोला। शीतल चीनी आधा तोला, ये भी आपको उधर ही मिलेगी। ग्लूकोज लेके आना है आपको, जो ग्लूकोंडी वगैरह आते हैं वो आपको इजिली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे। ग्लूकोज की 10 चुटकी, ग्लूकोज 10 चुटकी। अब आपको करना क्या है, अब आपने क्या करा, सारा सामान ले लिया, नींबू का रस आपने पहले से अलग से निकाल लिया था, उसके अलावा जितना भी सामान है 10 चुटकी नींबू के रस में चाहे आप डाल दें, और डालने के बाद में आपका इस सारे सामान को हल्का पीस लेना, पीसना है, पाउडर नहीं बनाना, इसे तोड़ना है सिर्फ आपको सामान को, जितना भी सामान है इमाम दस्ते के अंदर तोड़ लेना बढ़िया करके इसे, लेकिन पाउडर ना बने इतना ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। अब भाई तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन के अंदर आप जो हंडिया टाइप की होती है उसमें आप इस सभी सामान को डाल देना, सिवाय जीरे को छोड़ के, जीरा मत डालना, सफेद वाला जीरा जो है, सफेद जीरा नहीं डालना आपने, उसे अलग से रखना, जो दो चम्मच था अपने पास सफेद जीरा उसको आपने मिलाना नहीं है, उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना फिलहाल के लिए भी। और आपने क्या करना है, लगभग लगभग आपने 20 ml करीब पानी लेना है, 20 ml शरीर से नाप लेना, वो मटकी में डाल देना, 20 से 30 ml करीब पानी ले और उसे मटकी में डाल दे। डालने के बाद में जितना भी सामान आपने बनाया है, जो इमाम दस्ते में कूटा है वो भी डाल दें उसके अंदर, जो दो नींबू का रस लिए थे वो भी उसमें डाल दें, और उसी के साथ साथ बच गया जीरा, जीरा भी डालना नहीं है आपने, आपने रात को 9 बजे उसे भिगो दिया, रात में भिगो दिया 9 बजे आपने, करेक्ट 9 बजे आपने भिगो दिया, उसके 1 घंटे बाद आपने क्या करना है, वो 2 चम्मच जीरा ऊपर से छिड़क देना, आपकी रेसिपी तैयार है। अब आपने करना क्या है, सुबह के टाइम में, सुबह जब होगी आपका, सपोज दैट आपने 6 बजे कबूतर छोड़ने हैं, तो आपको 5:30 बजे करीब कबूतर को एक बार पलटना पड़ेगा, ताकि उसके हलक में कोई दाना ना हो बिल्कुल भी अंदर तक, आप उसे पलट लें अच्छे तरीके से, पलटने के बाद में आपको कंफर्म हो जाए कि उसके हलक में कोई दाना तो नहीं रह गया, आपने देखा कि दाना बिल्कुल साफ सफाई हो गया, बिल्कुल चकाचक हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर, पलट लिया एक बार, पलट के उसे छोड़ देना आपने 6:45 बजे, मतलब आपने 5:30 बजे काम किया था, 6:45 बजे आपने, अब क्या करना है, 6:45 बजे आपने जो आपने पानी बनाया मटकी के अंदर हंडिया वाला पानी, उसे आप 2 ml लेना है पानी, सिर्फ मात्र 2 ml, 10 ml की सिरिंच होनी चाहिए, 2 ml आपका मटकी वाला पानी, 8 ml आपका सादा पानी, मिलाया कबूतर में भरा और 15 मिनट बाद उसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पहले ट्राई करें, ट्राई करने के बाद कमेंट डालें कि ये पानी से आपके कबूतर कितना उड़े, बाजियों से पहले इसे ट्राई करना एक बार भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भाई को अगर पानी लगाने की तमीज ना आई और वो शर्त में हार गया तो गालियां भी मुझे ही देगा भाई, तो इससे पहले भाई आपको पानी ट्राई करना, पहले सारा भरोसा मेरा ही मत करना अकेले का। और दूसरी चीज, एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि जैसे कि बाजियां आ रही हैं, बाजियों में क्या होता है, सुबह के टाइम उठना पड़ता है, रात को देखना पड़ता है कबूतरों को, 5:30 बजे कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि आपके साथ में कोई बंदा होता नहीं है, जैसे कबूतर पलटना है, पलटने के लिए आपको लगातार उसके मुंह पानी भरना पड़ेगा, उसके लिए एक बंदा चाहिए साथ में जो कबूतर पकड़ ले इजली, तो उसके लिए आप इस टाइप्स के पिजन होल्डर्स आते हैं जो मेडिएशन के लिए भी यूज होते हैं, अगर आप कबूतरों को मेडिसिन देना चाहते हैं उसके लिए भी, प्लस अगर आप कबूतर पकड़ने में असमर्थ है, आप कबूतर पकड़ नहीं पा रहे हैं अकेले, तो आप कबूतरों को इसमें इजली पैक कर सकते हैं, दिखाता हूं अभी आपको पैक करके कबूतर, और उसे आराम से आप पानी पिला सकते हैं, आराम से उसे आप पोटा पलट सकते हैं उसका, प्लस आप जो आपका शर्त का जो पानी है जो नलकी से आप पिलाएंगे, बहुत ही आसानी से इसमें डाल के और कबूतर की गर्दन पकड़ के बहुत प्यार से पानी पी लेगा वो। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक कबूतर इसमें डाल के दिखाता हूँ कि कबूतर डालते कैसे हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो एक कबूतर लेके आते हैं पहले, फिर डाल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर। इधर से क्लिप्स होते हैं, एक क्लिप ये रहा, ये खुल गया, ओपन हो गया। अब इसमें कबूतर पैक करना है, तो पहले पैक करते हैं फिर दिखाते हैं आपको।
तो दोस्तों कबूतर लेके आ चुके हैं आपके लिए अपने मद्रासियों में दुबाज, काफी अच्छी कद काठी का और हाथ में आने में असमर्थ। अब देखें इस कबूतर को पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात है, साला हाथ लगाने तो देंगे ढंग से अपने चेहरे पे। ये देखें तो ये है कबूतर। अरे उजा वे उल्लू दे पट्टे, ठीक है। और अगर हम परों की बात करें इसके तो ये देखिए इसके पर, पंजों की बात करें तो ये है इसके पंजे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी कबूतर को देखिए, अभी यदि दिक्कत कर रहा है हाथ में पकड़ने में भी, पकड़ में भी, ग्रिप में भी नहीं आ रहा ढंग से। और अभी अब हमें इसे पानी पिलाना है, लेकिन पानी कैसे पिलाएं अगर हम अकेले हैं, जैसे मैं अकेला रहता हूँ। आपने इस तरीके से बहुत आसानी से पकड़ना है, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ भाई, ये ना हो कि वीडियो के चक्कर में ये हाथ से छूट जाए क्योंकि हिलावा नहीं है, ये गोली ही हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने इस कबूतर को इसमें डाला, ये देखें आप, और डालने के बाद मुंडी आगे की तरफ करी और करने के बाद इसमें, तो रुक जा उल्लू दे पट्ठे, तो भाई लोगों अब ये हो चुका है रेडी, क्योंकि अब ये कबूतर जो है निकले नहीं पाएगा इसके अंदर से। टांगे हमने वैसे यहाँ फंसा दी है इसकी, फंसाने को आप यहाँ भी डाल सकते हो इधर की तरफ, इधर टांगों का सेक्शन ही है लेकिन मैंने ऊपर डाल दी है, क्योंकि लास्ट जो मेरे पास था वो अपना ये वाला था जिसमें टांगे पीछे की तरफ आती है, लेकिन इसमें टांगे का सेक्शन दूसरा है। ट्राई करते हैं एक बार वो भी बहुत ही सावधानी से, ताकि ये उल्लू का पट्टा छूट के भाग ना जाए कहीं पे भी। तो भाई टांगे हमने टांगों वाले सेक्शन से निकाल दी हैं बाहर, और एक मिनट के लिए आपको दिखाते हैं आपको इसका पूरा व्यू। तो मुंडी इसने अंदर कर ली है फिलहाल, ये देखें आप, ये जाएगा कहीं पे भी नहीं, जितना मर्जी फड़फड़ फड़फड़ कर ले, अभी पैक्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने कबूतर को अपना दाना पानी कुछ भी जो भी आप चाहें उसे दे सकते हैं, फीड दे सकते हैं, और बच्चे पाल सकते हैं आप इजली। और साथ ही साथ में जो कबूतर आपकी उड़ान के हैं, जिन्हें आप चाहते हैं उड़ाना, उन्हें उड़ाने के लिए जब तैयारी चलती है उनकी, बादाम खिलाने हो इसे, जो मर्जी खिलाएं इसे, बांध के बढ़िया तरीके से, उसके बाद क्लिप खोलें और छक 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 अंदर, एक बार छोड़ देते हैं इसे अंदर, नहीं तो बेचारा परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो कंटेंट जो था अपना खेल पानी का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए खेल पानी कैसा लगा आपको, आपके भाई का, और प्लस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ताकि इस तरह की एक्साइटिंग वीडियोज आपको और बहुत सारी मिल सके। तो भाई मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ यू फ्रेंड्स, बाय बाय।